नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ हिंदी के 37 प्रश्न, वो भी चैप्टर वाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट करने के बाद निश्चित ही आपको, जब आप UPSC में एग्जाम देंगे तो आपका अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न बनता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। मैं इस प्रैक्टिस सेट वही प्रश्न करा रहा हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचा दीजिएगा जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? तो उसमें कौन सा लिंग होता है? तो उसमें होता है ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। आपको ये क्रम से नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको 37 प्रश्न ही कराऊंगा जो आने वाले समय में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे पहले मैं संज्ञा शब्द की 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है अंतः स्वर के बदलने में ए कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 37वां, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके रूप में कोई परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी, किस व्यक्ति का बोध चिन्ह है? तो यह अपादान का है, ऑप्शन नंबर। तो अगला शब्द है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो तन शब्द में कौन सा लिंग होता है ये आपको बताना है। तो इसमें लिंग होता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पुल्लिंग शब्द होता है अच्छा तन। आपको लिंग का निर्धारण करना तो अच्छा और अच्छी लगा दीजिएगा शब्द के आगे, तो पता चल जाए अच्छा से पुल्लिंग होता है और अच्छी से स्त्रीलिंग पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तम पुरुष में सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन होता है। तो किसका प्रयोग एक वचन होता है? तो प्रत्येक का होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथा का बहुवचन होगा, तो कथा का बहुवचन क्या होगा ये आपको बता दो, कथाएं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला शब्द हो जाएगा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें भाषा है वो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें पुल्लिंग है संकल्प, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें है पुल्लिंग विदुर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है, पहला हो जाएगा अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से भी स्त्रीलिंग हो जाती है। अगला पॉइंट है दूसरा, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं एन और कहीं आयन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो क्षेत्र है वो शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शब्द, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द है गरिमा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89वां प्रश्न है आपके सामने, इस प्रकार है, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो इसका आपको परसर्ग बताना है, तो इसका परसर्ग है पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करती हैं, रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द इसमें परसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 91वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें जो झील शब्द है वो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 92वां, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो कौन सा शब्द दोनों में समान रहता है? तो ये रहता है सरसों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
तो उसमें सखी और साखियां ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है, तो यह है करण का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह मुझसे अलग रहता रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है, तो यहाँ पर अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें कष्ट शब्द है वो पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें पुल्लिंग हो जाएगा आभार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो यह है कैमरा शब्द है वो पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो उसमें जो सभा है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने होगा 101वां, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो आय शब्द है वो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ का लाडला कहाँ गया उद्देश्य का विस्तार किस भेद लिखी है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका संबंध कारक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 103वां, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटी है, तो पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, तो इसमें पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आहार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं संबंध कारक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 105वां, भील का स्त्रीलिंग होगा, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा भीलनी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 106, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं इनमें कर्ता है, तो इसमें कर्ता क्या है, तो इसमें कर्ता है चिट्ठियां, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द है सनक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा छाज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, तो इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो हरकत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटी है, तो इसमें कर्ता कारक हो जाएगा मोहन को जाना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 111 और अंतिम उस प्रश्न का हो जाएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है, तो यह बहुवचन हमेशा रहता है, प्राण शब्द हमेशा बहुवचन रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।